भारतीय टीम अगले महीने वेस्टइंडीज टूर पर जा रही है। अरसे बाद कोई ऐसी भारतीय टीम विदेश में टेस्ट सीरीज खेलेगी जिसमें चेतेश्वर पुजारा नहीं होंगे। लेकिन यही एक बदलाव ऐसा नहीं है जो भविष्य की टीम इंडिया की संकेत दे रहा है। अजिंक्य रहाणे का वेस्टइंडीज टूर पर उपकप्तान बनाया जाना भी एक संकेत है जो भविष्य के बारे में कुछ सवाल खड़े कर रहा है और कुछ संकेत दे रहा है। रहाणे को टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाया जाना कहीं से गलत नज़र नहीं आता, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ जाता है कि क्या भारतीय टेस्ट टीम में ऐसा कोई युवा खिलाड़ी नहीं है जिसे उपकप्तान बनाया जा सकता। और जब उपकप्तान के लिए ही भारतीय टीम के पास कोई युवा चेहरा नहीं है तो कप्तान बनाने की बारी आएगी तो वह कौन सा खिलाड़ी होगा जो टीम इंडिया से कप्तानी के लिए पहला नाम होगा जो युवा भी होगा। यह सवाल इसलिए भी और मौजू हो जाता है क्योंकि भारतीय टेस्ट टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा की उम्र 36 साल हो चुकी है। निश्चित रूप से उनका टेस्ट करियर अब बहुत लंबा नहीं बचा है, इसलिए भारतीय टीम प्रबंधन को BCCI को एक ऐसे युवा चेहरे की तलाश करनी ही होगी जो टेस्ट टीम की कमान संभाल सके। जब हम टेस्ट टीम के कप्तान की बात कर रहे हैं और ऐसे कप्तान की बात जो युवा भी हो, तो सबसे पहले हमें उस टीम पर नज़र डालनी चाहिए जो वेस्ट इंडीज़ टूर पर है। अगर हम इसमें ऊपर से या बल्लेबाजी क्रम की तरफ से चलें तो सबसे पहले हम बल्लेबाजों की बात करते हैं। बल्लेबाजों में रोहित शर्मा और शुभमन गिल एज ए ओपनर हैं। शुभमन गिल काफ़ी युवा हैं जिनके नाम पर अभी चर्चा नहीं हुई है। रोहित शर्मा खुद ही कप्तान हैं। उसके बाद याद आता है विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे का नाम। अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन बनाए जा चुके हैं और विराट कोहली कप्तान रह चुके हैं, कप्तानी छोड़ चुके हैं, वो दोबारा कप्तानी करेंगे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। तो कम से कम बैटिंग लाइनअप में ये शुरुआती चार नाम आते हैं। इसके बाद जो दो नाम हैं जो इस टूर में पहली बार जा रहे हैं वो यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़। इन दोनों खिलाड़ियों को अभी टेस्ट टीम में डेब्यू ही करना है, टेस्ट क्रिकेट खेलना ही शुरू करना है, इसलिए इन्हें कप्तानी की रेस पर रखना इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो अगर हम बल्लेबाजों की बात करते हैं तो शुभमन गिल के अलावा ऐसा कोई नाम नहीं है जो युवा भी है और कप्तानी का दावेदार भी। एकमात्र नाम है शुभमन गिल। अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की और विकेटकीपर्स और बॉलर्स की। ऑलराउंडर्स में देखें तो रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल, ये तीनों नाम हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले एक दो साल से या उससे पहले से भी। अक्षर पटेल कुछ नए हैं लेकिन जडेजा और अश्विन एक दशक से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि जब विदेश में टीम खेलती है तो एक ही स्पिनर टीम में होता है। हमने अभी देखा कि WTC फाइनल में रविचंद्रन अश्विन जैसा खिलाड़ी टीम से बाहर बैठा हुआ था, प्लेइंग 11 से बाहर था। तो इसलिए चयनकर्ताओं के सामने ये हमेशा मुश्किल रहेगी कि अगर वो इनको कप्तानी देते हैं किसी भी स्पिनर को, चाहे जडेजा या अश्विन को, तो ये मुश्किल आ जाएगी कि विदेश में उसे खिलाना है या नहीं खिलाना है और ये समस्या बनी रहेगी। ऐसे में मुश्किल ही लगता है कि किसी स्पिनर को टेस्ट टीम की कप्तानी दी जाए। अब बात विकेट कीपर्स की। वेस्टइंडीज़ टूर के लिए दो विकेट कीपर चुने गए हैं, KS भरत और ईशान किशन। KS भरत जो पिछले 2-3 महीने से टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उस स्तर पर नहीं आ पाया है जिसे संतोषजनक कहा जा सके। ईशान किशन को तो अभी टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू ही करना है, तो निश्चित रूप से कम जब कप्तानी की बात हो रही है तो इस लिस्ट में इन दोनों का नाम नहीं रखा जा सकता। और अब बचते हैं सिर्फ फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर्स में भी हम अगर देखें तो इस टूर में मोहम्मद सिराज के अलावा ऐसा कोई खिलाड़ी है ही नहीं जो पिछले एक साल से टीम इंडिया के लिए खेल रहा है। मोहम्मद सिराज भी चोटिल होकर के टीम से बाहर हो चुके हैं एक बार। तो ऐसे में लगता है कि किसी फास्ट बॉलर को कप्तानी देना बहुत ही मुश्किल फैसला होता है चयनकर्ताओं के लिए। हमने पूरा इतिहास अगर हम देख लें भारतीय इतिहास, तो हमने कुछ एक साल पहले जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया की कप्तानी करते देखा था टेस्ट मैच में, लेकिन अभी वो कई महीनों से खुद ही टीम से बाहर हैं। और जब टीम इंडिया भारत में टेस्ट मैच खेल रही होती है तो सिर्फ दो ही फास्ट बॉलर आमतौर पर टेस्ट मैच में खेलते हैं, और अगर वो बुमराह हैं, अगर वो मोहम्मद शमी हैं या सिराज हैं, इनमें से कोई एक कप्तान है, तो टीम इंडिया में सिलेक्शन के लेवल पर बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो तेज़ गेंदबाजों को कप्तान आमतौर पर इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि भारत में सिर्फ दो ही तेज़ गेंदबाज टेस्ट टीम में खेलते हैं। दूसरी बात, तेज़ गेंदबाज कभी भी चोटिल होकर के बाहर हो जाते हैं। तो ये जो पूरी इतिहास या पूरी परंपरा है वो ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी के खिलाफ है, लेकिन तेज़ गेंदबाजों को कप्तान बनाने में जोखिम होता है। वेस्टइंडीज़ टूर के लिए चुनी गई टीम से इतर यदि हम नाम ढूंढें कप्तानी के लिए युवा नाम, तो उसमें श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत हैं, लेकिन ये दोनों ही चोटिल हैं। इनके रिकॉर्ड ज़रूर बेहतरीन हैं और कोई शक नहीं, अगर ये फिट होकर के लौटते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो शुभमन गिल से पहले इन दोनों के नाम पर एज ए टेस्ट कैप्टन विचार होगा। लेकिन यदि हम सिर्फ उस टीम से कप्तान ढूंढने की कोशिश करें जो टीम वेस्टइंडीज़ दौरे पर जाने वाली है, तो मुझे लगता है युवा खिलाड़ियों में एक ही दावेदार है, वो है शुभमन गिल। न्यूज 18 ओरिजिनल्स के इस वीडियो में इतना ही। मुझे विजय प्रभात को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।